यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। शिमला में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के आते ही पार्टी की आगामी चुनावी रणनीतियों में नया मोड़ आ गया है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव की आगामी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दरअसल आम सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले चुनाव से सबक लेकर इस बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए पार्टी ने हर बूथ पर 11-11 सदस्यों की टीम बनाने का फैसला लिया है और सभी सदस्यों को पार्टी के शक्ति ऐप से जोड़ा जाएगा। इस दौरान आम सभा में जो निंदा प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं, जिसमें पहला पेयजल संकट से अव्यवस्था है क्योंकि शिमला के लोग पिछले कई दिनों से पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं। इस पूरे मामले की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा कि इस वजह से शिमला की साख पर देश विदेश में भी बट्टा लग रहा है। वहीं निंदा प्रस्ताव में दूसरा मुद्दा लचर कानून व्यवस्था का है और हत्या और दुष्कर्म के मामलों को भी रखा गया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी के सत्ता संभालने के बाद से ही अराजकता का माहौल बना हुआ है और सामाजिक तत्वों और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि सरकार के पास महीने के कार्यकाल में करीबन 70 हत्याएं और 40 के आसपास दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी है। रजनी पाटिल जी के लिए हमारे मैडम ने